नाम प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। मन लग रहा है? अच्छा ठीक। अमेरिका गुजरात आचार्य है। कार्य विषयमपि विज्ञानम न व्यदश्रुते है, दो तीन एक में इत्यारभ्य भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वम् अप्रतिपाद्यत्वात्। अब रही बात के सृष्टि परक श्रुतियों में जो विभेद या विज्ञान परिलक्षित है, उसका समाधान स्वयं सूत्रकार आचार्य वेदव्यास बादरायण करेंगे। कार्य विषय को लेकर जो विज्ञान है उसका परिहार भी न व्यदश्रुते है, इस सूत्र से आरंभ करके करेंगे। अर्थात तैतृय उपनिषद में आकाश को प्रथम कार्य माना गया, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में तेज का प्रथम उल्लेख किया गया, आकाश और वायु का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ क्रम है, उसमें तीन नीचे के क्रम छांदोग्य श्रुति में भी ज्यों के त्यों, तेज के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी या अन्न, तीन में तो कोई अंतर नहीं। ऊपर का जो दो क्रम है आकाश और वायु, उसका उल्लेख नहीं। तो कहते हैं कि यहाँ तेज को कार्य सिद्ध करना है, तेज प्रथम भूत है, इसमें उसका तात्पर्य नहीं है। तैतृय उपनिषद के अनुसार प्रथम भूत के रूप में आकाश को, द्वितीय भूत के रूप में वायु को लेना चाहिए, फिर तीसरे चौथे पांचवें भूतों के रूप में तेज, जल और पृथ्वी को लेना चाहिए। इस प्रकार से स्वयं ग्रंथकार कार्य को लेकर, जगत को लेकर या सृष्टि को लेकर जो श्रुतियों में परस्पर विज्ञान परिलक्षित होता है, उसका भी परिहार करेंगे ही। इत्यारभ्य भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वम् अप्रतिपाद्यत्वात्। थोड़ी देर के लिए तुष्यत दुर्जनन न्याय से, सामने वाला दुष्ट है उसको प्रसन्न करने के लिए कदाचित ऐसा मान लें जैसा आप कहते हो वैसा ही है, तो भी क्या अर्धांगीकार, जैसा आप कहते हो वैसा ही है तो भी। तुष्यत दुर्जनन न्याय, हमारे पूर्वाचारी बोल देते थे जानबूझकर तुष्यत सज्जनन न्याय, सामने वाला चिरे में तुष्यत दुर्जनन न्याय से, जैसा कि सांख्यों ने आक्षेप किया कि कार्य विषय विज्ञान है ही, इसका उत्तर दिया कि आचार्य सूत्रकार स्वयं जहाँ जहाँ कार्य विषय विज्ञान सृष्टि को लेकर श्रुतियों में परिलक्षित है उसका समाधान करेंगे ही। कदाचित आपकी बात ही मान लें थोड़ी देर के लिए तो भी, अप्रतिपाद्यत्वात्, जो हमारा तात्पर्य नहीं है, प्रतिपाद्य नहीं है, उसमें विज्ञान होने पर सिद्धांत में कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यह अभिप्राय सृष्टि के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित नहीं है, सृष्टा के प्रतिपादन में श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित है। सृष्टा के सच्चिदानंदत्व और द्वितीयत्व के निश्चय से मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि संभव है। सृष्टि का विज्ञान हो जाने पर भी बिना सृष्टा के तो मोक्ष की उपलब्धि हो ही नहीं सकती है।
जिससे पुरुषार्थ साधना नहीं, जो प्रतिपादन का मुख्य विषय नहीं, उसको लेकर अगर कहीं विधान है तो उसका सिद्धांत पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वम् अप्रतिपाद्यत्वात्, क्योंकि सृष्टि या कार्य तो हमारा प्रतिपाद्य है ही नहीं, इसलिए वो हम आप वहाँ वाले हैं ना, हरा वाले सुनते कम हैं, बैठे रहिए। असल में पाकिस्तान से 100 हिंदू यहाँ आने वाले थे, तो कार्यालय को व्यवस्थापकों ने कह दिया था कि 100 पाकिस्तान के हिंदुओं को यहाँ ठहराना है, उनके गुरुओं को, तो इन दिनों जगह किसी के लिए, नए व्यक्ति के लिए नहीं है। अब उन सब का कार्यक्रम रद्द हो गया, इसकी सूचना कार्यालय में नहीं रह रही होगी, इसलिए मना किया होगा, नहीं तो भारत भूषण जी का भेजा हुआ कोई व्यक्ति हो, नहीं भारत भूषण जी का भेजा हुआ या नहीं भेजा हुआ, यहाँ तो कहाँ से आए, कौन हो, केवल एक ही बात देखी जाती है कि सज्जन है या नहीं, कहीं सिगरेट सुलगाने वाला आदि तो नहीं, मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक, 100 व्यक्ति पाकिस्तान के हिंदू मठ में 3 दिनों के लिए आने वाले थे, उनके गुरु भी आने वाले थे, एकाएक उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया, वीजा आदि में कुछ कठिनाई पड़ गई होगी, इतना अंश डिलीट कर दीजिएगा। नहीं तत्प्रतिबद्ध कश्चित पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा, वा जो है उसको वा कर दें, वा छपा है। अब अगर सृष्टि का ही विज्ञान किसी को हो जाए, कार्य प्रपंच का विज्ञान हो जाए, उससे कोई पुरुषार्थ की सिद्धि न तो सुनने में है न देखने में। अपनी अपनी सीमा में तो हर व्यक्ति को प्रपंच का ज्ञान है ही, उपमंडूक जो होता है कुएं में पड़ा हुआ मेढक, उसको भी उसकी सृष्टि का जितना क्षेत्रफल है ज्ञान होता ही है। गूलर के फल में जो कीड़े होते हैं उनके लिए सृष्टि का क्षेत्रफल जितना है, तो हमारे लिए भी सृष्टि जितनी विस्तृत है उसमें से कितना अंश प्रत्यक्ष है, बहुत कम अंश प्रत्यक्ष है ना। तो सृष्टि का विज्ञान हो भी गया, परमात्म विज्ञान के बिना सृष्टि का विज्ञान हो गया, किसी पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, धर्म की सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष की सिद्धि तो होगी नहीं क्या। तो चीटी चिड़िए के समान अर्थ काम तक व्यक्ति का जीवन सीमित रहेगा, उस अर्थ और काम को धर्म के द्वार से मोक्ष तक पहुंचाने की बात भी नहीं बनेगी। अगर कहें कि सृष्टि परक सूचि का वर्णन करने पर, विज्ञान परिहार करने पर वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो झक मार के व्यक्ति राग कहाँ करेगा, सच्चा तो है ही नहीं, परमात्मा को ला के नहीं रखेंगे तो वैराग्य तो व्यर्थ होता है ना, अगर राग का कोई विषय ना हो तो क्या। यहाँ से कदम उठाओ तो आगे रखो, रागास्पद कोई नहीं है तो वैराग करके भी करोगे क्या, राग का विषय तो अंत में वो वैराग भी निरर्थक जाएगा। इसीलिए कहा कि सृष्टि का विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी, सांगोपांग ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी, भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि होगी, जीवन के मुख्य प्रयोजन की सिद्धि तो सृष्टा के बल पर ही होगी। उस सृष्टा को न मानकर जिसमें तात्पर्य श्रुतियों का सन्निहित है, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म में, तत्वमसी आदि में, उस परमात्मा को लेकर तो किसी प्रकार का विज्ञान है ही नहीं। न किंचित विज्ञान मस्ति सष्टरि, न सष्टर किंचित विज्ञान मस्ति, भाष्यकार भगवान ने कह दिया। तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, कदाचित आपकी बात को स्वीकार करके सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान हम मान भी लें तो
तो भी हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि सृष्टि विज्ञान से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी। अब जन्माद्यस जब कहते हैं तो जन्म स्थिति समृद्धि मुख्य चीज है या जन्मादि जिससे परमात्मा को महत्व दिया गया या जन्मादि को? परमात्मा पर तात्पर्य हमारा परमात्मा की ओर मस्तिष्क को ले जाना है ना, या जिसकी उत्पत्ति स्थिति समृद्धि होती है उस सृष्टि की ओर। सृष्टि वर्ण्य नहीं है, सृष्टि को क्या देखते हो, सृष्टा को देखो, यही तात्पर्य है ना। क्या है बृहदारण्यक में? आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन, या सृष्टि परमात्मा के द्वारा विरचित क्या है? आराम, वाटिका, उद्यान, जितने बहिर्मुख व्यक्ति हैं इस सृष्टि को ही निहारते हैं, इसी में रचे पचे हैं, अरबों जन्म प्राप्त कर चुके, अरबों प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं। आराम मत्स्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन, कोई भी बहिर्मुख व्यक्ति उस परमात्मा चतुर चितेरा जिसने सृष्टि की संरचना की उसकी ओर निहारता नहीं ना, देखता नहीं ना। यह कहा न च कल्पयितुं शक्यते उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्तत् ब्रह्म विषयवाक्यैः साकमेकवाक्यतया गम्यमानत्वात्। गम्य में यह मिटा हुआ सा है। सृष्टा को लेकर पुरुषार्थ की सिद्धि है, उसमें किसी प्रकार का विज्ञान है ही नहीं। उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा वेदांतों का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। क्या कहा? उपक्रमोपसंहारादि सर्वविध लिंगों के द्वारा वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित। सृष्ट्यादि उपक्रमोपसंहाराभ्याम, छह लिंग हैं तात्पर्य निर्णय के। लिंग माने चिन्ह, उपक्रम उपसंहार, उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवाद और फल। आरंभ जहाँ से किया गया उपक्रम, अंत जिससे में हुआ उपसंहार। जैसे किसी बर्तन को उठाते हैं ना, उससे एक हिस्सा यहाँ पकड़ लिया, उसने एक हिस्सा बीच का नहीं पकड़ा तो उठ जाता है या नहीं? ऐसे कर लीजिए ना, ऐसे अब यहाँ नहीं पकड़, ऐसे उठा ले तो जैसे ये है, ऐसा नहीं किया, ऐसा इधर नहीं पकड़ा उधर नहीं, तब उठ जाएगा या नहीं? ये लेखनी उठ जाएगी, कलम उठ जाएगी। इसी प्रकार उपक्रम ले लिया, उपसंहार ले लिया, बीच वाली सारी चीज आ गई। तत्त ब्रह्म विषय वाक्य ही है। उपनिषदों में जगह जगह वहाँ वहाँ ब्रह्म विषयक जो वाक्य हैं उनके द्वारा साकम एक वाक्यता या क्या है, सब में एक वाक्यता है, अर्थात विविधि नहीं है। उपक्रम उपसंहार आरंभ कहाँ से हुआ, अंत कहाँ से हुआ? उपक्रम परक वचन, उपसंहार परक वचन, अभ्यास बीच बीच में किसका स्मरण दिलाया गया? आजकल अभ्यास पुनरुक्ति को दोष मानते हैं, इसका नाम दोष नहीं है अभ्यास। यह आकाशवाणी है, फिर 5 मिनट में यह आकाशवाणी है, तो उसको महत्व दिलाने के लिए उसके कथन ऐसे ही बीच बीच में जिस बात को लाकर फिर रखते हैं उसमें तात्पर्य होता है। अभ्यास के द्वारा भी तात्पर्य का निर्धारण होता है। अर्थवाद प्राशस्त्य परक वचन, और उस विषय को न जानने न मानने पर निंदा परक वचन, निंदा या स्तुति परक वचन का नाम है अर्थवाद। उपपत्ति माने युक्ति, उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता, प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित
ये भाई कल एक कुर्सी और ला के रख देना, उनको बैठा नहीं जाता है, एक कुर्सी कल और ऊपर, दो चार कुर्सी यहाँ होनी चाहिए। उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वता, अपूर्व विषय का प्रतिपादन होना चाहिए। क्या माने? प्रमाणांतर से अनधिगत और अबाधित विषय का प्रतिपादन होगा तब विशेषता आएगी ना, या घिटी घिसी पिटी किसी भी वस्तु का प्रतिपादन कर दें तब तो नहीं होगा ना, अपूर्वता होनी चाहिए। पीएचडी में किसके थीसिस को मुख्य स्थान दिया जाता है? शैलीगत माने प्रतिपादनगत अपूर्वता हो, विषयगत अपूर्वता हो, उसी को मौलिकता भी आजकल कहते हैं। विषयगत और शैली यानी प्रतिपादनगत अपूर्वता विशेषता हो तो उसको महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार अपूर्वता भी तात्पर्य निर्णय का विषय है। माने वैदिक समाधिगम्य धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ तो प्रतिपाद्य विषय क्या हो गया? अपूर्व। और फल अंत में मिलेगा क्या? समस्त दुखों की अत्यंत की निवृत्ति और परमानंद की समुपलब्धि, यह फल है। उपक्रमोपसंहाराद षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। वह विज्ञान ही मोक्ष में हेतु है, यह सिद्ध हुआ। दर्शयति च सृष्ट्यादि प्रपंचस्य ब्रह्मपत्ति प्रतिपत्त्यर्थताम्। स्वयं छांदोग श्रुति दर्शाती है, दर्शयति हाँ दर्शाती है सृष्ट्यादि प्रपंचस्य, सृष्टि आदि जो प्रपंच है ब्रह्म की प्रतिपत्ति के लिए है। माने सृष्टि का वर्णन स्वतंत्र कोई पुरुषार्थ साधक नहीं है, सृष्टा सृष्टि का ही, सृष्टि को देखकर सृष्टा का अनुमान होता है और शास्त्रों के द्वारा विज्ञान होता है सृष्टा के स्वरूप का। तो सृष्टा तक पहुंचाने के लिए सृष्टि है, इसीलिए गौड़पादाचार्य जी की बात यहाँ पर रखेंगे भाष्यकार। उपाय सो बता राया, उपाय सो बता राया, ब्रह्म तत्व में सृष्टा, परमात्मा में प्रत्यगात्म तत्व में बुद्धि अवतीर्ण हो सके, सन्निहित हो सके, प्रतिष्ठित हो सके, इस भावना से सृष्टि का वर्णन है। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ने का तात्पर्य उंगली पकड़ने में है या पहुंचा पकड़ने में? पहुंचा, ये उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, सृष्टि को पकड़ के सृष्टा तक पहुंचना, लिफ्ट है ये, सृष्टि को पकड़ के सृष्टा तक पहुंचना, पहुंचना। अब वह सृष्टि जो सृष्टा तक पहुंचावे ही नहीं, जिसके यहाँ सृष्टा कोई चेतन सच्चिदानंद हो ही नहीं, सांख्यों के यहाँ उनके यहाँ व्यर्थ गया या नहीं? सृष्टि तो पकड़ा देते हैं, सृष्टि की गति सृष्टा तक है ही नहीं, जड़ प्रकृति प्रधान या व्यक्त तक है, इसलिए सृष्टि की सार्थकता सृष्टा तक चित्त को पहुँचाने में। सृष्टि का आलम्बन लेकर परोवरीय क्रम से केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवान मया विस्तरेण आत्मनो योगम, क्या है? केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवान मया, एकाएक तो भगवत तत्व का चिंतन नहीं होता, क्रियासार वस्तुसार भावसार जो विभूतियाँ हैं उनका आलंबन लेकर अंत में एकांश न स्थित हो जगत, उस ब्रह्म तक पहुंचने का प्रकार एक लिफ्ट के रूप में सृष्टि है। लेकिन वह लिफ्ट जो गंतव्य तक पहुंचावे नहीं तो होगा क्या? सृष्टा तक पहुंचावे नहीं, जिसके यहाँ मूल में क्या हो, जड़ ही प्रतिष्ठित हो तो क्या होगा? यही कहा। दर्शयति च सृष्ट्यादि प्रपंचस्य ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थताम् अन्नेन सौम्य
श्रृंगे न आपो मूलम अन्विच्छ अद्भिः सौम्य श्रृंगे न तेजो मूलम अन्विच्छ तेजसा सौम्य श्रृंगे न सन्मूलम अन्विच्छ। छांदोग 6-8-4 वृंदावन में तो 10 महीने पढ़ाते, 2 महीने कुछ गुरुदेव से पढ़ने जाते, वहाँ भी कोई ना कोई पढ़ने आ जाते थे। एक घंटा रोज पढ़ाते शायद वृंदावन में, दोनों साल। हाँ तो 2 घंटे रोज पढ़ाते थे 10 महीने। हमारे पढ़ाए हुए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग के अध्यक्ष हैं, एक नेपाली कुलपति हो गए कहीं, चिन्मय मिशन के तो 10 तो कम से कम पढ़े होंगे, कोई हम लोगों को याद भी नहीं करता किसी का कोई अपना तो नहीं, क्योंकि वो सब मंत होने के लिए, वक्ता होने के लिए, धनमान के लिए पढ़े थे। भगवान के लिए पढ़ने वाले एक ही थे, कौन? डॉक्टर गोविंद आनंद, वो आज भी मानते हैं। भगवान के लिए पढ़ने वाले उनमें से चिन्मय मिशन के एक ही थे, डॉक्टर गोविंद आनंद जी, स्वामी अखंडानंद यूनिवर्सिटी से। बाकी जितने पढ़े मंत होने के लिए, मंगेश्वर होने के लिए, धनमान की अर्जित करने के लिए, प्रवचन सीखने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक ही व्यक्ति पढ़े, वो जुड़े हैं, बाकी कोई नहीं। वेदांत कौन सा पेड़? 2 घंटे सुबह पढ़ाते थे आपकी वहाँ पे, उसके 1 घंटे शाम। अच्छा, 3 घंटा रोज। अरे इनको याद है, ये तो बच्चे थे, 3 घंटे रोज पढ़ाते थे, फिर प्रवचन में दोनों समय, फिर लिखना पढ़ना अलग। वहाँ भी व्यस्त तो इतने ही रहते थे, यहाँ हम किसी से बात कर सकते हैं, वहाँ मिलना, मेरे मुझसे मिलना बड़ा कठिन, घूमते समय कोई बात कर लो, वो भी भगवान की चर्चा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वीरानंद को 3 साल बाद हमने 5 मिनट का समय दिया था मिलने का, वहाँ हमसे बात करना बड़ा कठिन। अब यहाँ शंकराचार्य का पद है, इसलिए चलो हमें भूल गए, तुम 3 घंटा वहाँ भी रोज पढ़ाते थे। तो अब कहते हैं, अन्न रूप हे सौम्य, बेटे का को संबोधन कर रहे, शिष्य भी है, बेटा भी है, पुत्र भी है, शिष्य भी है, श्वेत केतु, अन्न रूपी श्रृंग के द्वारा, अंकुर के द्वारा, कार्य के द्वारा, वृक्ष के द्वारा, आपो मूलम अन्विच्छ, अन्न माने पृथ्वी, यह अन्न का लक्षण है, लक्षण है पृथ्वी में, पृथ्वी के द्वारा उसका जो मूल है जल, वहाँ तक पहुँचो। अरभी, अब जल अरभी बहुवचन होता है संस्कृत में, जल क्या है, जल रूप श्रृंग का आलंबन लेकर, अंकुर का आलंबन लेकर उसका जो मूल है तेज तक पहुँचो। अब वहाँ पर सीधे सत तत्व से तेज की उत्पत्ति भी, बीच में वायु और आकाश की घाटी नहीं है। अगर हम अपनी ओर से तैतृय उपनिषद के आधार पर जोड़ लें तो तेज रूप श्रृंग के द्वारा वायु रूप मूल तक पहुँचो, वायु रूप श्रृंग के द्वारा आकाश रूप मूल तक पहुँचो। यहाँ तेज सास्व में श्रृंगे न सन मूलम अन्विच्छा, उसका मूल जो सत है वहाँ तक पहुँच जाओ। कार्य का आलंबन लेकर परोवरीय क्रम से कहाँ पहुँच गए, कारण सत तक, पृथ्वी का आलंबन लेकर पहुँच गए जल तक, जल का आलंबन लेकर पहुँच गए तेज तक, तेज का आलंबन लेकर पहुँच गए सत परमात्मा तक। तैतृय उपनिषद की स्थिति ले आवे तो तेज का आलंबन लेकर वायु तक, वायु का आलंबन लेकर आकाश तक, अब सांख्यवादियों को ले आवें और वेदांत में ढाल दें तो आकाश का आलंबन लेकर अहंतत्व तक, अहंतत्व का आलंबन लेकर महत्त्व तक, महत्त्व का आलंबन लेकर अव्यक्त तक,
अव्यक्त को प्रकृति माया या प्रधान मान लें और उसका आलंबन लेकर सत परमात्मा तक, सबसे बड़ी प्रक्रिया यही होगी ना। और बड़ी करनी हो तो स्थूल पंचभूतों का आलंबन क्रम से लेकर सूक्ष्म पंचभूतों का आलंबन लें, पांच और बढ़ जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अंतत्व, महत्त्व, अव्यक्त, अव्यक्त का आलंबन लेकर परमाव्यक्त, अक्षराव्यक्त, सनातन अव्यक्त ब्रह्म तक पहुंच गए। तो इसका तात्पर्य क्या है? परोवरीय क्रम से परमात्मा तक पहुंचना। लेकिन इनके यहाँ तो प्रकृति तक पहुंचना ही रह गया, परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते, परमात्मा को ये मानते नहीं। योगी परमात्मा को मानते हैं तो सृष्टि का उपादान कारण नहीं मानते, इसलिए दोनों के यहाँ क्या हुआ, सृष्टि परमात्मा तक पहुँचा ही नहीं सकती, मूल के रूप में नहीं। बड़ी विचित्र बात होती है, अपनी सीमा में बात करनी पड़ती, अपनी सीमा का अतिक्रमण करके बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। एक थे नैयायिक, उन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली की रचना की। एक राजीव नामक उनका लाडला प्यारा शिष्य था, उसने कहा गुरुजी क्या ही अच्छा हो कि आप अपने ग्रंथ की टीका भी स्वयं लिख दें। अच्छा भाई तुम कहते हो जैसा सही। अब मंगलाचरण में क्या कहा था उन्होंने, कृष्ण रूपी मूल को, जगत के मूल को मैं नमस्कार करता हूँ। अब नैयायिक ठहरे, जब अर्थ करने लगे तो अपना सिद्धांत रोड़ाल अटकाने लगा, क्योंकि नैयायिकों के यहाँ भगवान निमित्त कारण उपादान कारण नहीं है, तो मूल का अर्थ करना पड़ा निमित्त कारण। कहा गया यहाँ ये ना कोई समझे कि उपादान कारण। अब क्या कर, अपनी सीमा में। एक वकील को तेरा भांग वांग पा के आए होंगे, यह सरावरा दिल्ली की घटना है, जज स्वामी बताते थे। एक वकील बहस किए जा रहा था, लेकिन विपक्ष की वकालत करते जा रहा था, और विपक्ष का वकील खूब मुस्कुरा रहा था, अब हमें क्या जरूरत है, सीनियर वकील हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब वो जूनियर मुठी और देखे तो अभी वो धारा प्रवाह में बात कर दिया जूनियर ने, सर ये क्या कर रहे हैं, विपक्ष इसका पक्ष लेके बोलना था आपको। हाँ तो सामने वाले वकील से कहा, जितना मैंने कहा इससे अधिक आप क्या कह सकते। अब आप सुनिए एक एक का खंड, बात बना बिगड़ती हुई बात बन गई। जितना आप कहते हैं उससे ज्यादा, जितना मैंने कहा उससे ज्यादा आप कही क्या सकते हैं। अब आप एक एक का खंड सुनिए, बुद्धिमान तो सही समझ गए। और इलाहाबाद में एक वकील वकालत करते करते जज को बोल दिए, साला गाली देने की आदत होगी। तो राजस्थान में तो प्रचलित है, बेटे को भी यही बोलते हैं, हाँ गाली देते, वहाँ सब प्रचलित है, महाराज के मुँह से निकल ही जाती थी। कोटा वाले वैद्यादी के मुँह से, राजस्थान में बीमारी आई है, वो बेटे को अभी गाली देते हैं तो वही कहते, वकील के मुंह से जज के लिए निकल गए। आपके वो तो मानहानि का दावा कर दिया। अब कहा भाई बचाइए नेहरू, उनसे कहा मोतीलाल नेहरू जी से कहा बचाइए सर, हम ब्राह्मण हैं, हमारे जीविका का प्रश्न है। मोतीलाल नेहरू ने सिफारिश की किसी वकील को, वकील लोग प्रायः जब पेचीदा मामला आता है तो बरामदे में घूमते हुए रात के लगभग 2 बजे सुलझाते हैं कमरे में। ब्राह्मण है बोल तो दी उसने गाली, तो फिर जेल न जाना पड़े वकील को, या मानहानी कि मैं नौकरी में वकालत से छुट्टी न मिल जाए, ठीक है मिल गया। कौन सा ला कहता है? कौन सा, अब दंत तालब कौन पकड़ ले जाए, कौन सा ला कहता है, वो गलत लिखा गया, वो उन्होंने कहा था कौन सा ला कहता है, साला को मिला दिया गया।
कौन सा ला कहता है, हो गया छूट गए। इसका नाम है वकालत। तो उन्होंने वकालत की कि यहाँ पर जो मैंने मूल शब्द का प्रयोग किया है वो कोई उपादान कारण न समझे, निमित्त कारण समझे। ये वो अनुमान से किसके अनुमान से? नैयायिकों के अनुमान से, वैशेषिकों के अनुमान से, या सांख्यवादियों के अनुमान से, या योगियों के अनुमान से, या आपके व्यक्तिगत अनुमान से? अनुमान के कितने भेद हैं? अनुमान से तो विचार किया है ना नैयायिकों ने भी, उनको भी अनुमान से किया ना। अनुमान की प्रधानता है, सृष्टि का जो वर्णन किया है वो शास्त्र की प्रधानता से तो नहीं किया नैयायिकों ने। शास्त्र को मानते हुए भी अनुमान की प्रधानता, तार्किक तो उनको कहते हैं ना, अनुमानिक। सांख्यों ने भी श्रुति को तो माना लेकिन सृष्टि का वर्णन तो श्रुति के अनुसार नहीं किया। अच्छा, योगियों ने भी नहीं किया, वैशेषिकों ने भी नहीं किया, अपूर्व मीमांसकों ने भी सृष्टि के बारे में तो उनकी दूसरी धारणा है। न कदाचित अनिर्दिशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था, अर्थात न वो सृष्टि मानते हैं न प्रलय मानते हैं। केवल खंड प्रलय कई वर्षा आदि से कोई क्षेत्र बर्बाद हो जाए, आंधी से, सुनामी लहर से, किसके अनुमान से बोलिए आप? किसका अनुमान? सृष्टि पर विचार करेंगे, आपका व्यक्तिगत कोई अनुमान हो तो बताइए। ये सब तो अनुमान से सिद्ध करते हैं ना, किसके अनुमान से? एक पूर्वाचार्य महाराज पद पर से चौमासा कर रहे थे बम्बई में, और शरीर से मैं उन दिनों आज भी मानी बहुत दुबला पतला था, इनकी तरह तो नहीं, इनसे कुछ ज़्यादा। तो उसने देखा कोई श्रोता एक दिन नया आ गया कि सबसे दुर्बल कौन है, महाराज को कौन कहे कि अधर्म का नाश हो क्यों कहते हैं, क्या शेर के मुंह में उंगली कौन डाले। तो वो पीछे पीछे पड़ गया, जब प्रवचन पूरा हो गया, मैंने तो उस दिन प्रवचन भी नहीं किया था, और बरामदे में घेर लिया। अब तो मैं खड़े होकर बात करने लगूँ तो गिर पड़ूँ, शरीर की दशा बहुत जर्जर हो है, उन दिनों खड़े होकर बात कर लेता। तो हमसे कहा कि अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म के पीछे पड़ गए, अधर्म ने क्या बिगाड़ा। हमने कहा, जिन्होंने कहा उनसे जाके कहो, वहाँ कौन मरेगा, गाली मिलेगी, चांटा भी मिल जाएंगे। तो हमने कहा सबसे दुर्बल हमको मान लिया, और क्या, आप ही बताइए। रजनीश का अनुयायी था, रजनीश को अधर्म का नाश हो बहुत खलता था, वो अधर्मी था। पार्लियामेंट में मालूम है सत्यमेव जयते लिखा है या जयते, नानृतम नहीं लिखा, क्योंकि अमृत के बिना तो काम नहीं चलता। सत्यमेव जयते लिखा है, आगे नानृतम नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ तो झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। तो रजनीश को धर्म की जय हो तो मान्य था, अधर्म का नाश हो बहुत जलता था, तो वो उसी का चेला था। तो हमने कहा क्या कहता है, आप ही उत्तर दे दीजिए, अधर्म के पीछे पड़े रहते हैं आप लोग। हमने कहा सुनो, चार्वाक सिद्धांत के अनुसार नाश कार्य करूँ, या बौद्ध सिद्धांत के अनुसार करूँ, या जैन सिद्धांत के अनुसार करूँ, या पूर्व मीमांसा के अनुसार करूँ, या वैशेषिक के अनुसार करूँ, या न्याय के अनुसार करूँ, या सांख्य के अनुसार करूँ, या योग के अनुसार करूँ, या वेदांत के अनुसार करूँ, नाश कार्य किस दर्शन के अनुसार? अरे राम, नाश कार्य इतने ढंग से होगा, हमने और क्या होगा। महाराज क्षमा कीजिए, मुझे लगा सबसे दुर्बल आप ही हैं तो आप ही पर प्रहार कर। मैं नरवर का पढ़ा हुआ हूँ, मध्यमा पास हूँ, ये रजनीश जी के संपर्क में आकर मैंने ये प्रश्न कर दिया, बुरा मत मानिए। हमने कहा नरवर के परे हो, तुम्हारे गुरु कौन थे? अमुक। हमने कहा उनके गुरु कौन थे? नहीं मालूम महाराज। चलो सुखबोध आश्रम जी थे, तुम्हारे गुरु के गुरु से मिलवा के उनसे डटवाते। हम ले गए, हम लोग एक ही कमरे में रहते, सुखबोध आश्रम सुदर्शना से। हमने कहा देखिए आपके चेला का चेला ये बोल रहा था, आपने क्या काम नहीं। अच्छा, अब मुझे भी समझना पड़ेगा कि नाश कार्य इतने ढंग से होगा, हमने और क्या होगा।
आपने कहा कि परोवरी अक्रम किस दर्शन के अनुसार? हाँ ठीक, तो ये एक व्यक्ति मुल्ला था, वो ब्राह्मणों के यहाँ पंगत में बैठ गया, जरा बेसोस धोती वोती ऐसे लगा के, भंडारे में बहुत बढ़िया सामग्री बनती है। एक व्यक्ति ने देखा कि ये चौंकता है, ये करता है, कभी देखा नहीं गांव में, कहा बुरा मत माने, भोजन जरूर करें, आप थोड़ा परिचय अपना दे दीजिए, कभी दर्शन नहीं किया था। अमुक दुबे हूँ, झूठ बोला हमने, कौन दुबे? आय अल्लाह, दुबे में भी कोई घुस गया का कच्चा चा मुसलमान आप हैं, जरा इधर पत्ता ले आई, भोजन जरूर की जो परोबरी अक्रम में भी कोई घुस गया, परोबरी अक्रम इतना घुस गया। मृदादि दृष्टान्त कार्य से कारण नाम भेद बदितुम, वहाँ पर वदितुम के स्थान पर बदितुम हो गया, वको व कर दें। मृष्ट्यादि क्या मृष्ट्यादि हैं इसमें क्या पाठ सी? हाँ वही तो, मृ नहीं होना चाहिए, मृ के स्थान पर सी करेंगे। सृष्ट्यादि प्रपंच श्राव्यता इति गम्यते, अब कहते हैं सबका तात्पर्य क्या हुआ, मृदादि माने मिट्टी आदि, मृतिके तेव सत्यम वाचारम्भम विकारो नाम ध्येयम, मृतिके तेव सत्यम, फिर कहेंगे जल ही सत्य है, फिर क्या कहेंगे तेज ही सत्य है, तैतरी को पकड़ लें तो फिर क्या कहेंगे, वायु ही सत्य है, फिर क्या कहेंगे आकाश ही सत्य है, बाद में क्या कहेंगे सत्य ही सत्य है, सदैव सत्यम, कहाँ की श्रुति है, पैंगी रहस्योपनिषद, सदैव सत्यम, भगवान शंकराचार्य को बहुत प्रिय है यह श्रुति, आजकल अष्टोत्तर शत में यह उपनिषद मिलती नहीं, पैंगी रहस्योपनिषद का वचन है सदैव सत्यम, सत्य के अतिरिक्त अन्य में सत्य औपचारिक है, वास्तव में सत्य तो सत्य ही है, उसके अलावा जो कुछ है अनिर्वचनीय या मिथ्या ही है, सदैव सत्यम पैंगी रहस्योपनिषद। मृदादि दृष्टान्त कार्य से कारणाभेदम वदितुम सृष्ट्यादि प्रपंच, मृदादि मिट्टी आदि के दृष्टान्त से श्रुति ने कार्य की कारण कार्य के कारण से अभेद बोलने की भावना से सृष्ट्यादि प्रपंच का श्रवण कराती है, ऐसा ही तात्पर्य समझ में आता है, स्वतंत्र रूप से नहीं, सबका पर्यवसान परोवरीय क्रम से, उपादेय की अपेक्षा उपादान सत्य होता है, सन्निकट निर्विशेष का नाम क्या है उपादान, सन्निकट सविशेष का नाम क्या है उपादेय, उपादेय माने उपादान कार्य से निर्मित कार्य, उपादान कारण से निर्मित कार्य का नाम उपादेय, यहाँ उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, यहाँ पर उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य का नाम उपादेय है, तो उपादेय की अपेक्षा उपादान, उपादान कौन होता है सन्निकट निर्विशेष, कार्य कौन होता है सन्निकट सविशेष, अंत में होते होते सविशेष क्या निर्विशेषता की अवधि जो परमात्मा है सत्य, वहाँ जाकर विराम मिलता है, सत्य तक पहुँचाने के लिए घट एक मिट्टी दो, फिर क्या ले लिया जल तीन, फिर क्या ले लिया तेल चार, अब आगे छो के अनुसार चलें तो वायु पांच आकाश छः, और पैंगलोपनिषद के अनुसार चलें तो फिर आम तत्व, फिर महातत्व, फिर अव्यक्त, फिर चलें या अव्यक्त या माया, फिर चलें तो ब्रह्म सत्य, वहाँ जाके नहीं तो सीधे तेज से पहुँच गए कहाँ ब्रह्म तत्व, और इतनी लंबी प्रक्रिया न करनी हो तो सन घटा सन पटा सन त्यापस्तिभू सीधे सत्य कार्य का प्रतीति प्रतीति गोचर जो वस्तु है उसका आलंबन लेकर सीधे सत्य तक पहुँच गए, सबसे शॉर्टकट संक्षिप्त क्या अस्तिभू ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का लय सोइए सत्य में कर दिया,
जल है तो जल का लय सीधे सत में कर दिया, जल का आलम्बन लेकर सीधे सत तक पहुंच गए, तेज का आलम्बन लेकर सीधे सत तक पहुंच गए। अमुक भांति पृथ्वी का भान होता, पृथ्वी का आलम्बन लेकर सीधे चित्त तक पहुंच गए। एक एक से भी सचित की प्राप्ति हो सकती है और परोवरीय क्रम से भी सचित की प्राप्ति हो सकती है। अब तुम ब्रह्म को मानोगे ही नहीं तो सचित की प्राप्ति क्या होगी? कोई जड़ वस्तु में जाकर रुकना पड़ेगा। परम मूल किसको मानना पड़ेगा? किसी जड़ वस्तु को। चाहे तुम परमाणुओं को मान लो, नैयायिक वैशेषिक पृथ्वी जल तेज वायु का तिंदी परमाणुओं को मान लो, या सांख्यवादी प्रधान को मान लो, या फिर उधर वाले बौद्ध जैन के प्रस्थान में पुद्गल को मान लो, कहीं ना कहीं जाके जड़ वस्तु पे तुम्हारा विराम होगा। तो जड़ वस्तु का विज्ञान होने पर क्या लाभ होगा? तथा च संप्रदायविद या संप्रदाय विद विदह संप्रदायो हाँ विदु विदु है दो ऊ की मात्रा है ओ हाँ तो ये यहाँ आ कट जाएगा आ की मात्रा संप्रदाया जो लिखा है ना संप्रदाय विदो क्योंकि आगे वदंती है संधि यहाँ पर छूट गए ये गलत पाठ है संप्रदाय विदो वदंती संप्रदाय वेत्ता कहते हैं आजकल संप्रदाय शब्द गर्भित अर्थ में प्रयोग होता है संप्रदाय शब्द बहुत पवित्र है शास्त्रीय परंपरा के अनुसार वेद सम्मत गुरु परंपरा का नाम है संप्रदाय गुरु परंपरा से प्राप्त विद्या संप्रदाय वेत्ता बोलते हैं कौन शंकराचार्य जी के गुरुदेव गौड़पादाचार्य जी का वचन है मांडुक्य कारिका में मृल्लोह विस्फुलिंगाद्यय है सृष्टिया चोदितान्यथा उपाय स्वतराय नास्ति भेदा कथंचन मांडुक्य कारिका 1:15 मिट्टी का उदाहरण दिया मिट्टी के तब सत्यम और नख निकर्त नहरनी इत्यादि का लेकर कहाँ तक पहुँच गए लोह तक अग्नि की चिंगारी को लेकर कहाँ तक पहुँच गए अग्नि तक इस प्रकार कई दृष्टांत हैं इस प्रकार जो नोदिता न्यथा अन्य अन्य रूप में सृष्टि का वर्णन किया गया है श्रुति के द्वारा उसमें जो विज्ञान है उस विज्ञान को मत छेड़िए विज्ञान रहने दीजिए अभिप्राय तो क्या है उपाय स्वतराय वो जो ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व सत तत्व चित तत्व आनंद तत्व है उसमें हमारी बुद्धि का अवतरण हो सके इस भावना से है तो किसी का भी आलम्बन लेकर दो का तीन का एक का आलम्बन लेकर हम ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। हमने एक का भी आलम्बन बता दिया सन घटा में घट से सीधे सत तक पहुँच जाए अस्थिभू में पृथ्वी से सीधे सत तक पहुँच जाए फिर तो तीन हो चार हो पांच हो कोई बात नहीं हमारा काम तो बन गया। यह अभिप्राय ब्रह्म प्रतिपत्ति प्रतिबद्धम तो फलम सूयते ब्रह्म विदाप्नोति परम लेकिन ब्रह्म की प्रतिपत्ति प्रतिबद्धम तो ब्रह्म की प्रतिपत्ति होने पर उसके प्रति कटिबद्धता होने पर तो फल प्राप्त होता है सृष्टि परक श्रुति का विज्ञान हो भी गया या सृष्टि का क्रम विज्ञान परोवरीय क्रम से ज्ञान हो भी गया तो पुरुषार्थ की सिद्धि मोक्ष की सिद्धि तो होगी नहीं। यहाँ तो ब्रह्म विदाप्नोति परम ब्रह्म वेत्ता परम तत्व को प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म का विज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ही हो जाता है। करति शोकम आत्मवित आत्मवेत्ता शोक सिंधु शोकोपलक्षित समग्र द्वैता प्रपंच का संग का पार से पारंगत हो जाता है। तमे विदित्वा मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यति अनाया उस परमात्म तत्व को जानकर ही व्यक्ति अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत तत्व की प्राप्ति का कोई पंथ या मार्ग नहीं है। जल्दी जल्दी से कह रहे कि 9 बज गया 3 पंक्ति रह गई। प्रत्यक्षावगमम से एकदम फलम प्रत्यक्षावगमम और प्रत्यक्ष रीति से भी यही फल है तत्वमसि इति असंसार्यात्मत्व प्रतिपत्तौ सत्यम संसार्यात्मत्व व्यावृत्य है तत्वमसि
हम ब्रह्मास्मी कोई भी एक महावाक्य ले लें, छांदोग का यह महावाक्य है छठे अध्याय का, और छांदोग में 9 बार इस महावाक्य का प्रयोग हुआ है एक ही व्यक्ति के प्रति। तो असंसारी जो आत्मा है उसकी प्रतिपत्ति से क्या होता है, संसार सिंधु का व्यक्ति संतरण कर लेता है, जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उससे अतीत ब्रह्मात्म भाव की उसे सदा के लिए प्राप्ति हो जाती है, इससे केवल मोक्ष सुलभ हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।